हम लोग आ चुके हैं कैसल वर्ल्ड के अंदर और गाइस ये कोई ऐसा वैसा वर्ल्ड नहीं है। इस वाले वर्ल्ड के अंदर चार बहुत ही बड़े बड़े कैसल्स हैं और साथ में आप लोगों को दिख रहा होगा कि गाइस चार बहुत ही बड़े बड़े टावर्स भी हैं। अरे वर्ल्ड तो बहुत ज्यादा ओपी है, मगर हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या यार? जॉब यार, हम लोगों ने इस वाले वर्ल्ड को लेना है। अरे यार हमें, मगर ये वाला वर्ल्ड किसको मिलेगा? सिंचन यार, ये वाला वर्ल्ड उसको मिलेगा जिसकी आर्मी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। अरे यार हमें, आर्मी तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मेरी होती है। सिंचन यार, आर्मी तो तेरी भी स्ट्रांग होती है, चॉप की भी आर्मी स्ट्रांग है, साथ में मेरी आर्मी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। मगर मैं तुम लोग को सबसे पहले रूल को समझाता हूँ। जो ये वाला कैसल है ये है चॉप का, ये वाला कैसल सिंचन का है, और जो ये वाला कैसल है ये है मेरा। अरे वह कैसल तो बहुत ज्यादा ओपी है यार। हाँ यार चॉप कैसल ओपी है, मगर तू देख लेगा ये सारे के सारे कैसल यहाँ पे खाली हैं। अरे यार हमें, मगर ये वाला कैसल किसका है? सिंचन यार, ये वाला कैसल इस वाले बॉक्स का है। अब ये डब्बा क्या करेगा यार? चॉप यार ये कोई ऐसा वैसा डब्बा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डब्बा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन तीनों कैसल के अंदर अपनी आर्मी को खड़ा करेंगे और जिसकी आर्मी यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो वाली आर्मी लड़ेगी इस वाले बॉस के साथ। और अगर तू आएगा इस वाली आर्मी ने इस वाले बॉस को भी हरा दिया तो फिर ये सारा का सारा वर्ल्ड हो जाएगा उसका। अरे इसका मतलब ये होगा सारा का सारा वर्ल्ड मेरा होने वाला यार? नहीं यार चॉप, इतना आसान नहीं है इस वाले वर्ल्ड को लेना। मगर जिसको भी आएगा ये वाला वर्ल्ड एक दफा मिल गया ना, ये चारों के चारों कैसल उसके हो जाएंगे, साथ में ये टावर्स भी उसके हो जाएंगे और ये वाला घर भी उसका हो जाएगा। अरे वो तो ठीक है, मगर ये क्या चीज है यार? चॉप यार ये यहाँ का रेफरी है, ये यहाँ पे डिसाइड करेगा कि किसकी आर्मी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अरे आर्मी तो मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनेगी यार। चॉप यार वो तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे खड़ी करता हूँ अपनी आर्मी को। अरे नहीं यार, हाँ मैं सबसे पहले मैं अपनी आर्मी को खड़ा करूंगा। अरे सबसे पहले मैं अपनी आर्मी खड़ी करूंगा यार? नहीं यार चॉप, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी आर्मी खड़ी करूंगा। अरे नहीं यार, हाँ मैं तो सबसे ज्यादा छोटा हूँ, सबसे पहले मैं अपनी आर्मी खड़ी करूंगा। हाँ वैसे यार गाइस, सिंचन की बात भी ठीक है, सिंचन सबसे छोटा है तो सबसे पहले तो सिंचन यहाँ पे अपनी आर्मी खड़ी करेगा। अरे वो तो ठीक है, मगर ये वाला डब्बा तो दिखाओ यार। चॉप यार इस वाले डब्बे के आगे बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लेड्स हैं, साथ में हार्पून भी है, टेंटेकल्स भी हैं। ये सारे के सारे हार्पून आर्मी को अपनी तरफ खींचेंगे और फिर तो यार चॉप कोई भी नहीं बचेगा। मगर तुम लोग अभी इसका मत सोचो, तुम लोग अभी यहाँ पे अपनी आर्मी को खड़ा करने का सोचो। जो भी आएगा यहाँ पे विन करेगा उसका बैटल होगा इस वाले बॉस के साथ, और जिसने भी आएगा इस वाले बॉस को हरा दिया ये सारा का सारा वर्ल्ड हो जाएगा उसका। अरे यार हामिदा मैं जीत जाऊंगा, हामिदा क्योंकि मेरा कैसल बहुत ज्यादा ओपी है। सिंचन यार कैसल तो सबके ओपी है। अरे नहीं यार हामिदा, मेरे वाला कैसल ज्यादा ओपी है। सिंचन यार वो तो डिपेंड करता है कि तू यहाँ पे खड़ा क्या करेगा। अरे यार हामिदा मैं तो सारे के सारे रेप्टाइल्स की आर्मी को खड़ा करूंगा। सिंचन यार मगर तूने साथ में बजट के ऊपर भी ध्यान रखना है, जितने बजट की तू आर्मी खड़ी करेगा उतने बजट की मुझे भी आर्मी खड़ी करनी होगी और चॉप को भी उसी बजट के अंदर अपनी आर्मी खड़ी करनी होगी। अरे यार हामिदा मैं तो ढेर सारे पैसों को उड़ा दूंगा। सिंचन यार अगर तू ढेर सारे पैसों को उड़ा देगा तो मैं और चॉप भी ढेर सारे पैसे उड़ा पाएंगे। मगर यार सिंचन रेप्टाइल्स की आर्मी मुझे ज्यादा ओपी तो नहीं लग रही। अरे नहीं यार हामिदा, रेप्टाइल्स की आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मगर यार सिंचन तू यहाँ पे सिर्फ 7 यूनिट्स को खड़ा करेगा क्या? अरे हाँ हामिदा, मेरे इतने यूनिट्स यहाँ पे काफी रहेंगे। और यार हामिदा ये वाला क्रोकोडाइल मेरी आर्मी का बॉस है। सिंचन यार बॉस तो मुझे भी काफी ज्यादा ओपी लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें लगाने की क्या जरूरत है सिंचन? अरे नहीं यार हामिदा, ये मेरा बॉस है, इसको तो ओपी दिखना होगा। और रहेगा साथ में इसको ये वाली कैप भी बनाऊंगा। वैसे आएगा सिंचन के यूनिट्स इसी तरह के होते हैं, हम लोग देखते हैं सिंचन और क्या करता है। अरे यार हामिदा अभी मत देखो, हामिदा अगर अभी आपने मेरी आर्मी को देख लिया तो आप डर जाओगे। सिंचन यार इन वाले स्टील टेंटेकल से मैं क्या ही डरूंगा, मगर तू देख रहा है तेरा बजट साथ साथ एक्सीड कर रहा है। अरे यार हामिदा आपने तो बोला था कि जितने मर्जी पैसे खर्च करो। हाँ यार सिंचन पैसे तो अपनी मर्जी के खर्च कर सकता है, मगर फिर मैं भी अपनी आर्मी को उसके अकॉर्डिंगली खड़ा करूंगा। और यार सिंचन मैं साथ में तुझे एक और रूल बता दूं, हम लोग यहाँ पे वेपन 2 को नहीं यूज कर सकते। अरे यार हामिदा अगर हम लोगों ने वेपन 2 को नहीं यूज किया तो हम लोग इस वाले बॉस को कैसे हराएंगे? सिंचन यार इस वाले बॉस को हराने के लिए हम लोग वेपन 2 को यूज कर सकते हैं, मगर अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वेपन 1 को यूज करना है। और हम में से जिसकी आर्मी यहाँ पे जीत गई ना वो बैटल करेगी इस वाले बॉस के साथ और फिर हम लोग सारे के सारे वेपन को यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है हामिद भाई, अभी मैं यहाँ पे सारे के सारे वेपन 1 को लगा दूंगा। अरे वाह लगता है ये वाला सारा का सारा वर्ल्ड मुझे मिलेगा यार। चॉप यार ये तो तुझे भी लग रहा है और सिंचन को भी लग रहा है, मगर ये वाला वर्ल्ड तो मुझे ही मिलेगा। तो यार गाइस सिंचन का क्रोकोडाइल तो काफी ज्यादा ओपी हो चुका है। अरे यार हामिद अभी तो मेरा क्रोकोडाइल यहाँ पे रेडी हुआ ही नहीं। सिंचन यार ये कौन सी जगह है बोन स्पाइक की? अरे यार हामिद जैसे ये मुंह खोलेगा आपके यूनिट्स यहाँ पे मर जाएंगे। सिंचन यार वैसे यूनिट तो तेरा काफी ज्यादा ओपी है, बस तूने इसके ऊपर यही लगाना क्या? अरे नहीं यार हामिद अभी तो मेरा यूनिट यहाँ पे रेडी हुआ ही नहीं, क्योंकि यार हामिद मैंने अपने वेपन्स को भी छुपाना है। सिंचन यार तू अपने वेपन को क्यों छुपा रहा है, हम लोगों ने तेरे वेपन्स को ऑलरेडी देख लिया है। अरे नहीं यार हामिद मैं अपने वेपन्स को फिर भी छुपाऊंगा। और यार हामिद अपने स्टील टेंटेकल्स के ऊपर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट को लगाऊंगा। सिंचन यार डेकोरेशन पे सारे के सारे पैसे खर्च कर देगा तू तो। अरे सिंचन का यूनिट मुझे ज्यादा ओपी नहीं लग रहा यार। हाँ वैसे यार चॉप ज्यादा ओपी तो मुझे भी लग रहा, मगर ये सिंचन का बॉस यूनिट है, बाकी सारे सिंचन की आर्मी है। और यार हाँ मैं साथ में यहाँ पे TNT को भी लगा दूंगा। सिंचन यार ये तो रेप्टाइल मिलिट्री के बॉस की कॉपी कर रहा तू। अरे नहीं यार हाँ मैं ये सारा का सारा मेरा अपना प्लान है। सिंचन यार प्लान तो ओपी है, मगर पैसे बहुत ज्यादा खर्च कर दिए तूने। अरे यार हामिद मैंने इसके नाके ऊपर पैसे को भी लगाना है। सिंचन यार 999 रुपीज तूने स्पेंड कर दिए, तूने कुछ और भी लगाना क्या? अरे नहीं यार हामिद मेरी आर्मी तो यहाँ पे रेडी हो गई। तो आगे सिंचन की आर्मी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके बीच में ये वाला प्रोसेसोरस है, दिखने में काफी ज्यादा ओपी है। मगर अभी यार गाइस लगता है कि मुझे यहाँ पे अपनी आर्मी खड़ी करनी होगी। अरे अभी मेरी बारी है यार। ठीक है यार चॉप, देखते हैं कि तू यहाँ पे क्या करता है। अरे मैं तो सबसे पहले अपना टीरेक्स खड़ा करूंगा यार। चॉप यार वो तो ठीक है, मगर तेरे पास बजट सिर्फ 1000 का है। अरे 1000 बहुत है यार। ठीक है यार चॉप, देखते हैं कि 1000 के अंदर तू यहाँ पे क्या करता है। तो आगे चॉप की आर्मी के अंदर टीरेक्स भी आ चुके हैं, स्पाइनोसॉरस भी आ
आ चुके हैं, साथ में एलोसोरस भी आ चुके हैं। और यार चॉप तेरे तो लगता है कि सारे के सारे पैसे यूनिट्स पे ही खर्च हो जाएंगे। अरे मेरी आर्मी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी यार। चॉप यार वैसे टीरेक्स मैंने खड़ा करना था, मगर चल अब तूने खड़ा कर दिया तो मैं यहाँ पे कुछ और खड़ा कर दूंगा। अरे अभी तो मेरी आर्मी यहाँ पे रेडी हुई नहीं यार। चॉप यार साथ में तूने अपने बजट के ऊपर भी नजर रखनी है, कहीं ऐसा ना हो गया तेरा बजट ही यहाँ पे पूरा हो जाए। अरे लगता है कि मेरे पास पैसे बहुत कम है यार। चॉप यार सिर्फ 50 रुपए तेरे पास, अब इसके अंदर तू क्या ही कर लेगा। अरे मैं अपने ड्रोनचर्स के ऊपर यहाँ पे टीएनटी लगा दूंगा यार। चॉप यार अब 2 रुपए का तो कुछ भी नहीं आता। अगर तू चाहे तो यहाँ पे अपने कोई ना कोई यूनिट को रिमूव कर सकता है। अरे मेरी आर्मी तो ऐसे ही ठीक है यार। ठीक है यार चॉप तेरी मर्जी। सेंचर का बॉस यूनिट तो यार गाइस काफी ज्यादा ओपी है। चॉप ने यहाँ पे कार्निवल डांस को खड़ा किया है और चॉप का बजट यहाँ पे पूरा हो गया। अभी यार गाइस यहाँ पे मेरी बारी है, तो हम लोग चलते हैं टीम 3 के अंदर। और मेरे पास यार गाइस यहाँ पे गोरो की ऑप्शन भी है, साथ में मैं यहाँ पे स्कॉच भी खड़ा कर सकता हूँ, हाइड्रा भी खड़ा कर सकता हूँ। हम लोग देखते हैं कि हाइड्रा कितने का। तो यार गाइस हाइड्रा तो यहाँ पे 200 का है, मगर साथ में मुझे देखना होगा कि गेट का साइज कितना है। तो यार गाइस हम लोग का हाइड्रा यहाँ पे गेट से बाहर निकल जाएगा, इतना यहाँ पे काफी रहेगा। तो मैं काम करता हूँ, साथ में इसके खड़े करता हूँ 2 मैनाटोर को, और मैनाटोर के साथ मुझे यहाँ पे 2 गोरन को खड़ा करना होगा। तो यार गाइस 560 की लिमिट मेरी पूरी हो चुकी है, अभी मुझे अपग्रेड करना होगा अपने हाइड्रा को। मगर यार गाइस मेरे पास वेपन्स 2 की ऑप्शन है नहीं, तो मुझे इसी से काम चलाना होगा। तो मैं काम करता हूँ एक गोरगन के ऊपर यहाँ पे लगाता हूँ हार्पून को, और जैसे ही हार्पून यूनिट को अपनी तरफ खींचेगा बाकी का काम मेरे ये वाले मुक्के कर लेंगे। और बिल्कुल इसी तरह मुझे अपने इस वाले गोरगन को भी अपग्रेड करना होगा। अरे आपके पास तो प्लान बहुत ज्यादा ओपी यार। चॉप यार मैं तो तुझे भी बोल रहा था कि तू अपने यूनिट को अपग्रेड कर ले। अरे मुझे तो यूनिट को ज्यादा ओपी अपग्रेड करने आता ही नहीं है यार। हाँ यार चॉप फिर ठीक है, मगर मैं तो अपने यूनिट को बहुत ज्यादा ओपी अपग्रेड करने वाला हूँ। तो यार गाइस मैनाटोर के पीछे आ गए 2 स्टील टेंटेकल्स, साथ में मैं यहाँ पे हार्पून को भी लगाने वाला हूँ। अभी मैं चलता हूँ अपने इस वाले मैनाटोर के ऊपर। अरे यार हाँ यार आपकी आर्मी तो बहुत ज्यादा नुबड़ी है सिंचन यार, मेरे पास अभी भी काफी ज्यादा बजट है। तो यार गाइस मैं ये सोच रहा था कि अपनी हाइड्रा की बैक साइड के ऊपर मैं लगा दूं बड़े वाले टेंटेकल्स, क्योंकि यार गाइस टेंटेकल्स का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा ये उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। अरे ये वाली बात तो मुझे पता ही नहीं थी यार। मगर यार चॉप अभी तो कुछ नहीं हो सकता, तेरी आर्मी रेडी हो चुकी है, अभी मैंने अपने हाइड्रा को अपग्रेड करना है। तो यार गाइस मैं सोच रहा हूँ कि बीच में यहाँ पे हार्पून को भी लगा दूं, क्योंकि यार गाइस हार्पून भी बहुत ज्यादा ओपी काम करते हैं। सिंचन और चॉप की सारी आर्मी को मेरा हाइड्रा अपनी तरफ खींच के मार देगा। अरे नहीं यार हमने मेरा प्रोसेसर आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिंचन यार यूनिट तो तेरा भी स्ट्रॉन्ग है, मगर मेरा हाइड्रा भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। तो यार गाइस मुझे साथ में ब्लेड्स को भी लगाना चाहिए, मगर मैं अपनी आर्मी को बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाने वाला हूँ। तो यार गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि मैनाटोर अपने सर से अटैक करता है, तो मैं काम करता हूँ कि इसके सर के ऊपर लगाता हूँ ये बड़े वाले ब्लेड। अरे आपका प्लान तो बहुत ज्यादा ओपी निकल रहा यार। चॉप यार वो इसलिए क्योंकि मुझे सारे के सारे यूनिट्स की पावर्स का पता है, और अगर मुझे ये भी पता है कि मैनाटोर अपने सर से अटैक करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दी ये बड़े वाले स्पाइक। और अभी भी आ गाइस मेरे पास थोड़ा सा बजट बाकी है, अब इतने थोड़े से बजट में आ गाइस मैं काम करता हूँ कि सारे के सारे हाइड्रा के मुंह के ऊपर लगाता हूँ इस वाले पियर्सर को। और आ गाइस साथ में आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आप लोग किसकी टीम में हो। अरे आ गाइस आप सबके साथ मेरी टीम के अंदर आ जाओ, क्योंकि आ गाइस आपने देखा कि मेरी आर्मी कितनी ज्यादा ओपी है। सिंचन यार आर्मी तो तेरी भी ओपी है, मगर मेरी वाली आर्मी भी किससे कम नहीं है। तो आ गाइस अभी मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए बचे हैं, और 3 रुपए का तो यहाँ पे कोई भी यूनिट आ नहीं सकता है। तो आ गाइस जीवा चॉप का कैसल है, जीवाला कैसल सिंचन का है, और आ गाइस जीवाला कैसल मेरा है। अभी हम लोगों ने देखना ये कि आ गाइस किसकी आर्मी यहाँ पे जीत पाती है, और जो भी आर्मी आ गाइस यहाँ पे जीतेगी वो फाइट करेगी इस वाले बॉस यूनिट के साथ, और जिसने भी आ गाइस बॉस यूनिट को हरा दिया ये सारा का सारा वर्ल्ड उसको होने वाला है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आ गाइस किसकी आर्मी ज्यादा शक्तिशाली है। तो बैटल यहाँ पे शुरू हो चुका है। अरे यार हमने आपकी आर्मी तो दीवार तोड़ दी। कोई बात है सिंचन, दीवार तोड़ के आगे की तरफ जाएगी। तो आ गाइस आप लोग देख रहे हो कि सिंचन की टाइटन वॉर ने मेरे हाइड्रा को पकड़ लिया है, साथ में आ गाइस यहाँ पे मैनाटोर भी बहुत ज्यादा ओपी काम कर रहा है, गोरगन भी मेरा अभी तक यहाँ पे जिंदा है, सिंचन का मैचिमोसोरस यहाँ पे मर गया, लगता है कि टाइटन वॉर भी यहाँ पे मरने वाली होगी। मगर हम लोग देखते हैं कि अगर सिंचन का फाइनल यूनिट तो यार गाइस यहाँ पे मर चुका है। अरे यार हाँ मैं मेरे फाइनल यूनिट को किसने मारा, सिंचन यार तेरे फाइनल यूनिट को मेरे मैनाटोर ने मार दिया है। अभी हम लोग यहाँ पे चॉप की आर्मी को देखते हैं। तो अगर चॉप की आर्मी तो यहाँ पे है ही नहीं। अरे मेरी आर्मी यहाँ पे आपकी आर्मी के साथ लड़ी है यार। अबे यार गाइस ये वाली आर्मी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, सिंचन की तो सारी की सारी आर्मी यहाँ पे मर गई। अभी हम लोगों ने ये देखना है कि गाइस मेरा ये वाला हाइड्रा यहाँ पे जीता है या फिर चॉप के ये वाले कार्निवल डायनासोर्स यहाँ पे जीतेंगे। अरे मेरी आर्मी बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपकी सारी की सारी आर्मी को मार देगी यार। वैसे आ गाइस चॉप की बात तो यहाँ पे सही निकली, मेरी आर्मी को भी चॉप ने यहाँ पे हरा दिया। अरे मैंने आपको बोला था कि मेरा प्लान सबसे ज्यादा ओपी है यार। हाँ यार चॉप तेरा वाला प्लान तो कुछ ज्यादा ही ओपी निकला है। अरे हमें तो मैं तो आपकी सिंचन की आर्मी को हरा दिया, अभी मैं जाऊंगा इस वाले बॉस के पास यार। हाँ यार चॉप इस वाले बॉस के साथ तुझे लड़ना होगा। अरे मगर यहाँ पे तो कोई बॉस है ही नहीं यार। अबे यार चॉप बॉस तो यहाँ पर था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे लगता है इस वाले रेफरी से पूछना पड़ेगा यार। हाँ यार चॉप सारे के सारे रूल्स तो इस वाले रेफरी को पता है। इस वाले वर्ल्ड के अंदर टोटल 5 बैटल होंगे, जो भी 3 बैटल जीत जाएगा उसका फाइट होगा बॉस के साथ, और बॉस को हराने के लिए तुम लोग के पास सिर्फ 1 ट्राई होगी। अगर 1 ट्राई के अंदर तुम लोगों ने बॉस को हरा दिया तो ये वाला सारा का सारा वर्ल्ड तुम लोग का हो जाएगा। अरे मुझे क्या बोला कुछ समझ में नहीं है यार। चॉप यार मैं तो ये समझाता हूँ, ये वाला रेफरी ये बोल रहा है कि इस वाले वर्ल्ड के अंदर टोटल 5 बैटल्स होंगे, और तू सिंचन और मैं और हम में से जो भी 3 बैटल्स को यहाँ पे जीत जाएगा वो हो जाएगा यहाँ का विनर, और जो विनर होगा वो फाइट करेगा इस वाले बॉस के साथ। अरे वो तो ठीक है, मगर यहाँ पे बॉस है ही नहीं यार। चॉप यार बॉस यहाँ पे 5 बैटल्स कंप्लीट होने के बाद आएगा, और साथ में इस वाले रेफरी ने ये भी बोला है कि बॉस को हराने के लिए हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 1 ट्राई होगी। अरे वो तो ठीक है, मगर बॉस के साथ लड़ेगा कौन यार। चॉप यार बॉस के साथ तो वो लड़ेगा जिसके 3 पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, तेरे पास ऑलरेडी
एक पॉइंट आ चुका है, मेरे और सिंचन के पास यहाँ पे जीरो पॉइंट है। अरे फिर तो मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान बनाना पड़ेगा यार। अरे हाँ हाँ, मैं लगता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा ओपी प्लान बनाना पड़ेगा। हाँ यार सिंचन, मुझे भी ओपी प्लान बनाना पड़ेगा। चॉप की आर्मी तो यार गाइस वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक थी। तो यार गाइस इस वाले गेम प्ले करते हैं यहीं पर एंड। मैं आपसे मिलता हूँ एक और बैटल के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।